एपी में 5A एक्सरसाइज हो गया ना, 5A था ना, 5A एक्सरसाइज हो गया। अब जो अगला एक्सरसाइज है बच्चा 5B है, थ्योरी पूरा समझ लो। अरिथमेटिक मीन, देखो अरिथमेटिक मीन किसको कहा जाता है, कभी भी दो नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन भी दो तरीके से पूछता है, एक होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली AM लिख देंगे, समझ जाइएगा सिंगल अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है। और क्या होता है कि मल्टीपल अरिथमेटिक मीन, मल्टीपल अरिथमेटिक मीन, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, बता दे रहे हैं। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है और मल्टीपल अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है वो पहले समझा देते हैं। सपोज करते हैं इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, सपोज करिए ए और बी दो नंबर है। अगर ए, ये कैपिटल ए डाल दिए हम यहां पे, कॉमा बी, अगर बीच में कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसको यहां लिख देने पर ये तीनों एपी बन जाए, ये तीनों क्या बन जाए, एपी। यानी सपोज करो कि मेरे पास दो नंबर है, दो है छ है, कोई ऐसा नंबर हमको मिल जाए जिसको यहां लिख देने पर, यहां लिख देने पर ये तीनों किसका रूप ले ले, एपी का रूप ले ले। आप समझ गए होंगे क्या होगा, फोर होगा, फोर होगा। तो ऐसा नंबर जिसको वहां लिख देने पर ये एपी का रूप ले ले, तो उस कंडीशन में इस बीच वाले नंबर को कहा जाता है अरिथमेटिक मीन, इसी को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। तो यहां पे अगर ए और बी दो नंबर्स है तो उसके बीच का अरिथमेटिक मीन वो नंबर होगा जिसको रख देने पर ये तीनों क्या बन जाए, एपी बन जाए। और अगर ये तीनों एपी में है, अगर ये तीनों एपी में है तो ए माइनस ए किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के। एपी में अगर तीन चीज एपी में है तो टी टू माइनस टी वन क्या बराबर नहीं होगा टी थ्री माइनस टी टू के। तो यानी इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि सर ए माइनस ए बराबर होगा किसके, बी माइनस ए के। अब ए को इधर साइड ले आओ तो ए प्लस ए कितना, टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी बाई टू। पूरा बात समझ में आए ना समझ में आए, सिंपल एक बात समझिए कि अगर दो नंबर दिया रहे ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स गिवन एंड यू आर आस्क्ड टू गिव वन सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द आंसर विल बी, आंसर विल बी ए प्लस बी बाई टू। यानी क्वेश्चन है कि हमको कहता है कि पांच और सोलह, पांच और सोलह के बीच का एक अरिथमेटिक मीन बताओ। तो पांच और सोलह के बीच का एक अरिथमेटिक मीन अगर हमसे पूछ रहा है तो सिंपल बात, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू पांच प्लस सोलह बाई, पॉइंट में आएगा पॉइंट में रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्या आएगा आंसर 21/2। तो फ्रैक्शन में छोड़ दो चाहे 10.5 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकल गया हमारा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन किसको कहते हैं, बात समझ में आ गया। अरिथमेटिक मीन निकालेंगे कैसे, तो अरिथमेटिक मीन में अभी कैसा वाला अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाए हैं, सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाए हैं। दो नंबर्स के बीच का एक अरिथमेटिक मीन अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़िए बटा टू कर दीजिए। अब बटा टू क्यों कर रहे हैं उसका प्रूफ हम यहां समझा देंगे। अब क्या है कि सिंगल अरिथमेटिक मीन के अलावा कई बार मल्टीपल अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन भी आ जाता है थोड़ा सा ऊपर लेवल का लेकिन समझिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब क्या है कि मल्टीपल अरिथमेटिक मीन कैसे पूछ देगा, सपोज करो ज्यादा अच्छा रहेगा एक क्वेश्चन से समझाएंगे अगर आपको हम, तो मल्टीपल अरिथमेटिक मीन जैसे क्वेश्चन है फाइंड फोर अरिथमेटिक मीन बिटवीन सिक्स एंड 24, 6 और 24 के बीच में चार अरिथमेटिक मीन बताइए। अब अगर एक अरिथमेटिक मीन हमसे पूछा रहता तब तो इजी है, चार 6 + 24/2 कर देते, आसानी से निकल जाता। लेकिन हमको बोल रहा है चार गो अरिथमेटिक मीन बताइए, यानी 6 और 24 के बीच में चार गो अरिथमेटिक मीन चाहिए। एक अरिथमेटिक मीन का पहला का नाम रख देते हैं क्या, A1, A2, A3, A4, चार गो अरिथमेटिक मीन चाहिए किसके किसके बीच में, 6 और 24 के बीच में चार गो अरिथमेटिक मीन चाहिए हमको।
और जो भी अर्थमेटिक मीन होता है ना बीच में वो एपी का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? तो तुम्हारे हिसाब से ये सारा का सारा टर्म किस चीज में है? एपी में है। तो सपोज करिए कि ये एपी है, इस एपी में टोटल कितना टर्म हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका पहला टर्म कौन है? 6। इसका छठा टर्म कौन है? 24। इसका पहला टर्म को ही ना ए बोलते हैं, ए हो गया 6। इसका छठा टर्म को क्या बोलेंगे? ए प्लस 5D। छठा टर्म को ए प्लस 5D नहीं बोलोगे? ए प्लस 5D बराबर 24। ए मालूम है तो ए डालिए, 6 प्लस 5D बराबर 24, तो 5D बराबर 18 आ रहा है। 24 माइनस 6 18 आ रहा है, तो D इज इक्वल टू कितना? 18/5। जरूरी नहीं है कि हर बार एक सुंदर सा आंसर आए, आपको कैसा भी आंसर आ सकता है। तो D आ गया। अब जब D मिल गया हमको तो A भी मालूम चल गया और D भी मालूम चल गया। जब A और D मालूम चल गया तो अब सब कुछ निकाल सकते हैं। हमको चारों अर्थमेटिक मीन बताना है। मेरा चारों अर्थमेटिक मीन कौन है? A1, A2, A3 एंड A4। ये चारों मेरा चार गो अर्थमेटिक मीन है। चलो A1 बताते हैं। A1 टर्म कौन सा है? अरे भाई, A1 कौन सा टर्म है? ई है टर्म 1, ई है टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6। A1 बोले तो टर्म 2 है, A2 बोले तो टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 है कि नहीं? अब T2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D। इसका फॉर्मूला A प्लस 2D। इसका A मालूम है, D मालूम है, पुट कर सकते हैं। एक जगह 6 प्लस 18/5 अपना सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 2 × 18/5 ऐसे करके सबको सॉल्व कर लीजिए, चार को आंसर मिल गया आपको। बात समझ में? नोट करिए इसको। अच्छा हाँ, मिटा दे रहे हैं। इस तरफ हो गया ना सबका? अर्थमेटिक मीन का अगला टॉपिक बताते हैं। अच्छा हाँ, नोट करिए, नोट करिए बच्चा, जल्दी नोट करिए फटाफट। हो गया, मास्क लगा लिया तो बात करके नहीं पता चलेगा क्या बेवकूफ है क्या रे? तो को पता है अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में? जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ज से ज़्यादा, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से कम है उसको बोलते हैं इन्फ्रासोनिक साउंड। हम लोग ना इन्फ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं ना अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, लेकिन अपने क्लास में बैठा हुआ कुछ बच्चा को लगता है कि हम इन्फ्रासोनिक में बात कर रहे हैं, सर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन नहीं सुन पाते हो ना। अरे बहुत ज़्यादा मतलब वो प्योर सीख लिया है अब वो इन्फ्रासोनिक बोलेगा। इन्फ्रासोनिक साउंड देखो मालूम कौन कौन जानवर सुनता है? अरे सुन लो, इन्फ्रासोनिक साउंड सुनता है कौन? राइनोसिरस, एलिफेंट, अल्ट्रासोनिक जो है कुत्ता, चमगादड़। आपका कौन साउंड है डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से, बकवास नहीं करिए फिर। चलिए लिख लिए ना, आई मत सोचना बच्चा कि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेइज्जती नहीं करेंगे, बेइज्जती हो गया और बेइज्जती अभी अपलोड भी होगा। अच्छा नाम भी बताना पड़ेगा। खैर अभी फिलहाल नाम नहीं ले रहे, लेकिन इसके बाद में बच्चा नाम भी लेंगे। अगला समझा रहे हैं? अगला अरिथमेटिक मीन का देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, समझिए जरा इसको। क्वेश्चन है कि फाइंड एन इफ 2n-1, 3n+2 एंड 6n-1 आर इन एपी। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भारी नहीं ना है जी, ये तीन चीज एपी में है ऐसा क्वेश्चन का कहना है और कहता है हमको n का वैल्यू बताओ। अरे भाई तीन चीज अगर एपी में है तो इसका मतलब इतना माइनस इतना बराबर होगा दिस माइनस दिस,
तो 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 को बराबर कर दीजिएगा 6n माइनस 1 इंटू माइनस 3n प्लस 2 क्या हो जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 ये हो गया 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2 ध्यान दे देना थोड़ा सा ये कितना हो गया इसमें से ये गया तो n अरे 3n माइनस 2n और 2 एक 3 प्लस 3 बराबर 6n में से 3n गया तो 3n और माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 3 ऐसा करो n को इधर ले आओ इसको इधर ले आओ तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n माइनस n यानी 6 बराबर 2n तो n बराबर कितना 6 बटा 2 यानी कि 3 बन गया क्वेश्चन खैर उतना ढंग का क्वेश्चन था भी नहीं अगला इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन जो आएगा आपको इससे रिलेटेड उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जैसे है क्या कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन क्या पूछेंगे एपी से रिलेटेड कि सपोज करिए कि हम अपने क्लास में मौजूद तीन बच्चों को जैसे हमारे पास तीन स्टूडेंट है स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी तीन स्टूडेंट को हमको पैसा बांटना है तीन स्टूडेंट को कभी चार स्टूडेंट भी हो सकता है क्लास में कभी पांच स्टूडेंट भी हो सकता है क्लास में तो तीन स्टूडेंट चार स्टूडेंट और पांच स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा पांच से ऊपर का नहीं पूछेगा फिर तो तीन चार पांच सपोज करिए तीन स्टूडेंट है मेरे क्लास में तीनों स्टूडेंट को हमको पैसा देना है मेरे पास टोटल 100 रुपया है 100 रुपया है और तीनों स्टूडेंट को हम इस तरीके से पैसा देना चाहते हैं कि वो एपी में हो तीनों स्टूडेंट को क्या हो पैसा एपी में जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपसे बाद में प्रोडक्ट भी दिया रहेगा कुछ ना कुछ और भी वैल्यू दिया रहेगा लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि 100 रुपया है 500 रुपया है 300 रुपया है उसको हम तीन बच्चों में बांटना चाहते हैं लेकिन ऐसे बांटना चाहते हैं कि वो एपी में हो हम ऐसे बांटना चाहते हैं चार बच्चों में पैसा कि वो किस चीज में हो एपी में हो पांच बच्चों में इस तरीके से बांटना चाहते हैं कि वो एपी में हो तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो इसको बनाने का एक तरीका आप सोचिएगा कि सर मान लीजिए कि ए को 100 रुपया दिए बी को 100 रुपया दिए और सी को 100 रुपया दिए अब बनाइए क्वेश्चन तो बउआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100 इस क्वेश्चन में वेरिएबल कितना हो गया तीन तीन वेरिएबल वाला अगर इक्वेशन तुम सॉल्व करना चाहते हो तो कम से कम तीन इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए वैसे क्लास 11th में आओगे तो डिटेल में पढ़ोगे कि थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है क्लास 10th तक सिर्फ यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अब जब 11th में आइएगा तो पढ़िएगा लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं लेकिन उसके लिए भी तीन को पेयर होना चाहिए मतलब तीन इक्वेशन होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन बनेगा तो इस मेथड से अगर आप बनाना चाहिएगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं तो यहां पर हम तीनों बच्चा को कितना कितना रुपया दे रहे हैं इसको मानने का तरीका मेरा तो एकदम डिफरेंट है हम जानबूझकर कुछ ऐसा तरीका से मानेंगे कि मेरा क्वेश्चन भी जल्दी बन जाए और बात एपी का है तो एपी में रह भी जाए अब जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन कि सपोज करिए कि हम अपने तीन स्टूडेंट को दे रहे हैं 100 रुपया और तीनों को पैसा किस चीज में चाहिए एपी में चाहिए तो अब तुम कहोगे कि सर मान लीजिए कि इसको ए रुपया दे रहे हैं इसको ए प्लस डी रुपया दे रहे हैं और इसको ए प्लस 2D रुपया दे रहे हैं भाई तीनों एपी में है ना एक को ए रुपया दिए एक को ए प्लस डी रुपया दिए और एक को ए प्लस 2D रुपया दिए तीनों को जोड़ेंगे इज इक्वल टू क्या कर देंगे 100 लेकिन इससे भी अच्छा एक मेथड मेरे दिमाग में है वो क्या है जरा सुनो हम मान लेते हैं कि ए को हम पैसा दिए ए माइनस डी रुपया बी को हम पैसा दिए ए रुपया और सी को हम पैसा दिए ए प्लस डी रुपया क्या ये तीनों एपी में नहीं है ये तीनों भी तो एपी में है ए से एक ज्यादा ई है और ए से एक कम डी प्लस ये हो गया डी माइनस ये हो गया ये तीनों भी तो किस चीज में है अब ऐसे मानने का फायदा देखो क्या है तीनों को जोड़ के बराबर जैसे ही 100 करेंगे डी से डी कट जाएगा और 3a बराबर 100 एक सेकंड में आपको ए का वैल्यू निकल जाएगा तो बनाने को आप ऐसे लेकर भी बनाइएगा क्वेश्चन बनेगा लेकिन इस तरीके से जो ऐसे हम बता रहे हैं वैसे अगर मानकर बनाइएगा तो क्वेश्चन जल्दीबाजी में बनेगा चुटकी में बनेगा तो क्या मानेंगे तो मानने का तरीका सीख लीजिए क्यों मानेंगे हम सिखा दिए क्योंकि जैसे मान लेने से इजी बन जाता है क्वेश्चन तो इजी वे में क्वेश्चन बनाने के लिए अगर थ्री टर्म्स ना मानना हो अगर थ्री टर्म्स इन एपी क्वेश्चन में कह रहा है लेट थ्री टर्म्स इन एपी तीन टर्म्स मानने के लिए कह रहा है तो हम मानेंगे थ्री टर्म्स आर
ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। क्वेश्चन में कहेगा फोर टर्म्स मानिए, फोर टर्म्स इन ए पी, तो हम मानेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। तुम बोलोगे सर ऐसे कहे माने हैं, तो तुम देखो घटा घटा के, इसमें से इसको घटाओ 2d आएगा, इसमें से इसको घटाओ 2d आएगा, इसमें से इसको घटाओ 2d आएगा। यार चार टर्म्स मानेंगे हम, लेकिन मानेंगे भी ऐसा ही ना जो चारों वाकई में किस चीज में हो, एपी में हो। तो चारों टर्म्स मानना है और ऐसा मानना है जो एपी में हो, इसलिए चार टर्म्स को ऐसे माना जाता है। फाइव टर्म्स, फाइव टर्म्स कैसे मानेंगे, उभी रख लीजिए, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। अगर पांच टर्म्स मानना हो तो किस तरीके से मानेंगे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। जानबूझकर ऐसे इसलिए माने हैं क्योंकि क्वेश्चन में जैसा ही बोलेगा कि पांचों बच्चा मिला के 500 रुपया देना है, तो सबको जोड़ेंगे तो 2d से 2d कट जाएगा, d से d कट जाएगा, फट से एक आंसर मिल जाएगा हमको। तो क्वेश्चन को इजी वे में आसानी से बनाने के लिए थ्री टर्म्स मानना हो तो ऐसे ही मानना, फोर टर्म्स मानना हो तो यही तरीका होना चाहिए आपके मानने का, और फाइव टर्म्स मानना हो तो इस तरीके से मानिएगा। अब कहोगे कि सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो चलो इसका क्वेश्चन भी बताते हैं, पहले इसको लिख लो फिर क्वेश्चन भी बताते हैं। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन, सम ऑफ थ्री नंबर्स, एक क्वेश्चन बता देते हैं जो अभी मानना सिखा है ना, थ्री टर्म्स फोर टर्म्स फाइव टर्म्स, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स इन एपी, एक एपी है जिसमें तीन नंबर है, उन तीनों नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो दे दिया है 231, और कहता है फाइंड द नंबर्स। समझिए जरा, क्वेश्चन का कहना है देयर आर थ्री नंबर्स इन एपी हुज सम इज 21 एंड हुज प्रोडक्ट इज 231। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मानना पड़ेगा लेट थ्री टर्म्स, लेट थ्री टर्म्स इन एपी, इन एपी आर क्या मानेंगे भाई, जो सिस्टम था मेरा ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम 21 है, यानी ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी 21 है, डी से डी 3a बराबर 21, ए बराबर, ठीक है। अब तीनों का प्रोडक्ट दे रहा है 231, प्रोडक्ट कैसे निकलेगा भाई, तो a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी, ए लास्ट में कर देते हैं 231। a मालूम है ना, सात, a पता है सात है, तो सात लिख दो, सात सात सात, कोई दिक्कत, चल सात को नीचे ले जाओ, ये दोनों को गुना करो तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, सात का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 231 बटा 7, 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 231 बटा 7, कटता है क्या, कट रहा है, सतरी 21 33 बार में 33, एक काम करते हैं 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, क्या बच रहा है 16 बराबर डी स्क्वायर, तो डी बराबर प्लस माइनस 4। तुम लोग कहेगा कि सर प्लस माइनस 4 बोलिए, बोलता नहीं है तुम लोग, लेकिन